हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है कैसे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शॉर्ट और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रही है। एंजल वन ऐप में हमने लॉग इन कर लिया है। होम में आने के बाद में यहाँ पे आपको इंस्टा ट्रेड का फीचर दिखाई दे रहा होगा, उस पर हमें टैप करना है। जैसे ही हम उस पर टैप करेंगे हमारे सामने जो है निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो है चार्ट ओपन हो जाएगा। दोस्तों निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे जो है मैं कारोबार करता हुआ दिखाई दे चुका है। गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग के बाद में काफी शानदार अपसाइड में मोमेंटम हमें ऊपर के साइड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे चुका है। देखिए दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था 18,900 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है। तो वैसे ही हमें आज के दिन में देखने को मिला है, काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। अगर इनकेस निफ्टी यहां से नीचे आता है तो ऑलमोस्ट 18,850 से लेकर 18,900 का एक सपोर्ट रहेगा, यहां से फिर से ऊपर की ओर हमें बाउंस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी के लिए जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट का काम करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो तेजी यहां से ऊपर की ओर और भी कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, उस पर हमें टैप करना है। जैसे ही हम उस पर टैप करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में काफी शानदार तेजी हमें देखने को मिली। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल पर आके हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 44,500 का एक रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको कल के वीडियो में जो है कल के सेशन में मैंने आपको बताया था। एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके हमें यहाँ से ब्रेकआउट अभी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला है। इन केस अगर से यहाँ पे हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देता है और कैंडल सस्टेन करके क्लोजिंग दे देती है तो फर्दर और भी शानदार तेजी हमें यहाँ पे अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने चार्ट पे अभी तक मार्क नहीं किए तो मार्क करके रख लीजिए। इंस्टा ट्रेड फीचर का यूज़ करके आप डायरेक्टली यहीं से बाय कॉल और बाय पुट कर सकते हैं। अभी हमें मान लीजिए बाय कॉल करना है तो यहाँ पे हम बाय कॉल पे टैप करेंगे। जैसे ही हम उस पर टैप करेंगे आप यहाँ पे नीचे स्क्रोल अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हमें टैप करना है। जैसे ही हम उस पर टैप कर लेंगे हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। आप अगर से कॉल को बाय करके होल्ड करना चाहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड में करेंगे, अगर सेम डे बाय सेम डे सेल करना चाहते हो तो आप इंट्रा डे में करेंगे। यहाँ पे लॉट साइज दिया है 25 का, यहाँ पे बैंक निफ्टी का है तो यहाँ पे जो है हम 1 एंटर करेंगे और नीचे में आप देख सकते हो लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया है। लिमिट यानी कि आप अपने मनपसंद प्राइस पे इसको खरीद सकते हो। जैसे कि इसकी प्राइस चल रही है 110, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 105 पे तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे, जब भी इसकी प्राइस यहाँ पे आ जाएगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मार्केट रेट क्या होता है, मार्केट रेट यानी कि जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही होती है उसी पे डायरेक्टली आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपली हमें यहाँ पे बाय पे टच करना है, बाय पे टच करने के बाद कन्फर्म आ जाएगा, कन्फर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में फ्यूचर ऑप्शंस में एंट्री का प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री बनाएं। और अभी तक आपने एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक का यूज़ करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।